नया फोन, जो बेहतर बनाएगा उसे मिलेगा। समय शुरू हो गया है। अरे मैरी, तुम्हारी नाक के नीचे कुछ है। ओह नहीं बेन, ऐसा मजाक अच्छा नहीं है। और मुझे लगता है बहुत फनी है, तो मैं एक पंख की मदद से फोन बनाने की कोशिश करूँगा। मैं इसे बहुत खूबसूरत बनाऊंगा। ओह ये तो टूट गया। कुछ और खोजना होगा। क्या चिकन? नहीं, बदबूदार मोजा। ओह ये बहुत गंदा है। ओह यह क्या है? ओह मुझे चक्कर आ रहे हैं। ओह सॉरी जेन, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया है। आओ खोज जारी रखें। यह नहीं, कैंडी भी नहीं। ओह और मुझे इसकी जरूरत होगी, सिक्का। बिल्कुल सही, इसकी मदद से मैं फोन को स्क्रैच करना जारी रखूंगा। थोड़ा यहाँ और कुछ बारीक काम। एक सिक्का हमेशा मदद करता है। और मेरा हो गया। मैरी तुम्हारा कैसा चल रहा है? मेरा हाँ, मैं अभी ड्राइंग करना शुरू करूंगी, पर मैं भूल गई हमें क्या ड्रॉ करना है। ठीक है, फोन। मुझे कोशिश करनी होगी। जरूरी बात यह लिखना है कि किस तरह का फोन है, ताकि ये सभी को समझ में आ जाए। बहुत बढ़िया। मैं यहाँ हूँ। क्या तुम मेरे बारे में भूल गए हो? क्या तुमने ड्रॉ कर लिया? कितना समय हुआ है? अरे नहीं, मेरे पास कुछ करने का समय नहीं था। समय खत्म हो गया है, अपना काम दिखा। मैंने कुछ नहीं किया है। कोई बात नहीं, रिलैक्स करो। और एक आइडिया है, मैं बेन के साथ ड्राइंग बदल दूंगी। मैरी तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास यह है। बहुत बढ़िया। बेन तुम्हारे पास? यह मेरा। यह भयानक है। क्या तुमने मेरी ड्राइंग चुरा ली? ऐसे कैसे? हाँ बेन, तो क्या हुआ? मुझे फोन चाहिए था। अब मुझे कुछ सेल्फी लेना है। क्या यह तो एक भयानक सपने की तरह है। कैमरा भी है या नहीं इसमें? नया पुरस्कार बारबी है ना, यह अच्छा। तुम लोग क्या कर रहे हो? जागो। अब मैं आपको कुछ ऐसा दिखाऊंगा जिससे सभी को दिलचस्पी होगी। यह सिर्फ एक बारबी नहीं बल्कि एक केक है। मैं देख रहा हूँ आप खुश है, तो अब तुम शुरू कर सकते हो। पर कैंडी मशीन से कैसे ड्रॉ करूँ? शायद हमें कैंडी खाने की जरूरत है। और फिर प्रेरणा दिखाई देगी। यह गम है, मैं इसे क्ले की तरह इस्तेमाल कर सकती हूँ। वाह ना, अच्छा निकला। यह अच्छा बन रहा है। ठीक है, तुम्हारा बहुत सुंदर बना है। मैं भी अब एक ड्राइंग बनाऊंगा जो तुमसे खराब नहीं होगा। तो यह होगा सी, और इसके लिए मुझे और गम चाहिए। लाल वाले एक बढ़िया ड्रेस बनाएंगे। मैरी तुम्हें यह कैसा लग रहा है? मैंने कोशिश की है। ओह बेन, एक मॉन्स्टर की तरह दिख रहा है, बारबी नहीं। ओह वाह, मैं डिवाइस खोलने में कामयाब रही। बारबी को जल्द से जल्द ड्रॉ करने के लिए मुझे जितना ज्यादा हो सके गम चबाना होगा। तो गम की यह मात्रा पूरे ड्राइंग के लिए काफी होनी चाहिए। इस टुकड़े को रोल करते हैं और इसे यहाँ डालते हैं, और फिर यहाँ और इधर ऐसे। हाँ इस तरह से। ओह मेरा चश्मा कहाँ है? ओह कहाँ गया? यह घिनौना क्या है? मेरे चश्मे को क्या हुआ? ओह मेरा चश्मा गम में सना हुआ है। जेन अपने चेहरे से गम हटाओ। समय समाप्त हो गया है, तुमने क्या किया है मुझे दिखाओ। जेन जेन टीचर इधर है। फिर से कुछ स्क्रिबल्स, यह एकदम बेकार है। आगे क्या है? वाओ मैरी तुम्हारी ड्राइंग अद्भुत है। और बेन क्या दिखाएगा? हाँ बेन को केक नहीं चाहिए, तो प्राइज जाता है मैरी के पास। तुम इसके लायक हो। अरे बारबी बनाने में मेरी कोई बराबरी नहीं कर सकता। मुझे तुरंत केक का एक टुकड़ा खाना है। कितना स्वादिष्ट है। और यह एक और पीस। दोस्तों ये बहुत स्वादिष्ट है, मुझे तुरंत एक और टुकड़ा चाहिए। यह इतना स्वादिष्ट है कि मैं इसे अपने हाथों से खाने के लिए तैयार हूँ। वाओ बहुत स्वादिष्ट, मैं इसे पूरा खा लूंगी। क्या एक टुकड़ा हमें भी मिल सकता है? ठीक है लो, लेकिन मेरे लिए भी एक टुकड़ा छोड़ देना, ये बहुत अच्छा है। तो एक नया पुरस्कार, कॉस्मेटिक का एक सेट। लड़कियों तुम खुश हो जाओगी। ठीक है, मैं बस ऐसे ही कर लूंगा। समय शुरू होता है अब। तो क्या हमें क्रेयॉन से ड्राइंग करना होगा? हाँ यह आसान है। तो हमें आउटलाइन बनाने की जरूरत है, फिर यहाँ कुछ बारीक काम, और यहाँ एक दिल। इस पर पेंट कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा निकला। मुझे भी ड्राइंग पसंद आने लगा है। लड़कियों बताओ मेरा ड्राइंग कैसा है? सुंदर है ना? मुझसे अच्छा कोई ड्राइंग नहीं कर सकता। क्या
ड्राइंग क्या होता है वो मैं तुम्हें दिखाऊंगी। और मेरे पास एक शानदार आइडिया है। रंग भरने में समय क्यों बर्बाद करें? हम क्रेयॉन को कद्दूकस कर लेते हैं और इसे कागज की दूसरी शीट से ढक देंगे। हाँ, और इसके बाद गर्म आयरन से सब कुछ अच्छी तरह से इस्त्री करेंगे ताकि क्रेयॉन पिघल जाए। बस इस तरह से। देखो ये कितना आसान है। अब मैं कुछ अलग करूंगी। हाँ, तो मेरे पास उबलते पानी और क्रेयॉन है। मैं बस क्रेयॉन को तोड़ दूंगी और उन्हें गर्म पानी में डाल दूंगी। फिर वे वहाँ पिघल जाएंगे और पेंट में बदल जाएंगे। मैं मैरी की तुलना में तेजी से रंग सकती हूँ। मुझे वास्तव में ये बहुत पसंद है। कितना चमकदार रंग है। बहुत बढ़िया। और यह गंध कैसी है? मैरी, क्या तुम ठीक हो? ओ नहीं, सब जल गया। मैं कॉस्मेटिक्स के बारे में सपना देख रही थी और सब भूल गई। अब मैं क्या करूँ? मेरी ड्राइंग से दूर रहो। मैरी सावधान। ओ नहीं, मेरी ड्राइंग पर यह फैल गया। सब कुछ बर्बाद हो गया। घड़ी की सुइयां तेजी से चल रही हैं और समय समाप्त। अपना काम दिखाओ, पहले कौन दिखाएगा? तुमने क्या किया है मैरी? ओह, ये तो कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। और जेन ने क्या किया है? फिर डूडल। यह भी अजीब लग रहा है। शायद बेन ने कुछ ठीक किया हो। वाओ, एक मास्टरपीस। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। कॉस्मेटिक्स का यह सेट तुम्हारे पास जाता है। सुंदर। येलो। और मैं इसका क्या करूँगा? पता नहीं। ओह, क्या तुम्हें मेकअप करना है? जेन, क्या तुम्हें भी मेकअप की जरूरत है? लड़कियों, मुझे चक्कर आ जाएगा। मेरे पास एक आइडिया है। मुझे एक साथ तुम दोनों का मेकअप करने दो। तैयार? इस तरह से, और थोड़ा इधर और इधर भी, और सब तैयार हो गया। कैसा लगा? मैंने काफी मेहनत की है। सही रिएक्शन। बेन, तुमने क्या किया है? कितना डरावना है। अब तुम मुसीबत में पड़ने वाले हो। तो मेरी बिल्ली, मैं तुम्हें पुरस्कार के रूप में लेकर आया हूँ। तुम्हारे चेहरे से स्पष्ट है कि तुम्हें पुरस्कार पसंद आया है। तो चलो ड्राइंग शुरू करते हैं। मैरी, तुम बहुत खूबसूरत। हाँ, लिक्विड कैंडी के साथ एक बिल्ली ड्रॉ करना है। हाँ, यह आसान है। एक लंबा शरीर, और मैं पंजे के बारे में नहीं भूलूंगा। और हाँ, बढ़िया, मैंने सब कर लिया है। तुम किस लिए हंस रही हो? हाँ, शायद जब हम बिल्ली का ड्रॉ करना सीख रहे थे, तुमने उस दिन क्लास मिस किया था। अब मैं तुम्हें एक मास्टर क्लास दिखाऊंगी। चलो कोशिश करते हैं। कितना खट्टा है। मैं फिर से ट्राई करना चाहती हूँ। स्वादिष्ट। सभी चुप क्यों है? ये कैंडी बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, क्योंकि उससे ड्रॉ करना है, खाना नहीं है। अब मैं तुम्हें एक मास्टर क्लास दिखाऊंगी, नहीं तो मेरी के पास ड्राइंग बनाने के लिए कुछ नहीं होगा। और यहाँ मेरी बिल्ली है और ये बहुत सुंदर बनी है। हाँ दोस्तों, समय समाप्त हो गया है। मुझे आपके काम का इंतजार है। मैरी, क्या तुमने सच में सब खा लिया और कुछ भी ड्रॉ नहीं किया? चलो चलो, अपना काम दिखाओ। बैन ने क्या बनाया है? यार, कुछ खास नहीं है। मुझे लग रहा है मैरी के पास कुछ भी नहीं है। और जेन, क्या मुझे खुश कर पाएगी? चलो दिखा। वाओ, कितना ओरिजिनल। अच्छी बिल्ली, फिर तुम एक पुरस्कार के लायक हो। ये लो। हुर्रे, मैं जीत गई। मैं तुम्हें फ्लफी कहूंगी क्योंकि तुम नरम और प्यारी हो। बहुत सुंदर हो जेन। मुझे लगता है तुम्हारी बिल्ली मुझसे दोस्ती करना चाहती है। आ जाओ, इधर आओ। अब देखते हैं मुझे क्या मिला। वाओ, एक स्वादिष्ट चॉकलेट बार। लेकिन ये पिघल गया है, और मुझे ऐसी चीज का क्या करना चाहिए? तुम जल्दी हंस रही हो फेबी। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। हाल ही में मैंने टिकटॉक पर एक कूल लाइफ हैक देखा है। मस्त चॉकलेट चित्रित कैसे बनाए। चलो अब यह कोशिश करते हैं। चॉकलेट बहुत स्वादिष्ट है। हमें जल्द से जल्द दिल बनाना होगा। वाओ, यह स्वादिष्ट है। जरा इसे देखो, कितना सुंदर भी है और स्वादिष्ट भी है। अपनी उंगलियों को चाटने लायक। अब तुम अपना ढक्कन खोल सकती हो। बेशक। मुझे एक जमा हुआ चॉकलेट बार मिला है, लेकिन ये ऐसे भी ठीक है। मैं सारी बर्फ को थोड़ा हटा देती हूँ और इसे खाती हूँ। बहुत मस्त महक आ रही है। आउच, दर्द हुआ। अरे चलो, टूटो बेवकूफ चॉकलेट बार। जेन, ये चॉकलेट बार नहीं चाहता कि मैं इसे खाऊं। मैं बिल्कुल भी टूटना नहीं चाहता।
ठीक है, मैं इसे चाटने की कोशिश करूंगी। यह स्वादिष्ट है। तुम अजीब हो फीवी। चलो देखिए कि मैं एक और चॉकलेट ड्राइंग कैसे बनाती हूँ। जरा देखो कि कितनी प्यारी बिल्ली निकली। यह न केवल सुंदर है बल्कि अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। 3, 2, 1 खोलो। वाओ, ये चाइनीज नूडल्स है। मेरे पास फ्रोजन है। ओह, मैं इतनी बदकिस्मत क्यों हूँ, ये बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लग रहा है। और मेरे पास स्वादिष्ट गर्म नूडल्स है। चलो अब यह खाते हैं। मुझे चाइनीज नूडल्स बहुत पसंद है। ओह, मैं पूरी तरह से भूल गई कि तीखी भी है। ओह, यह कितना तीखा है। फिर भी मेरी मदद करो, कुछ करो। हाँ, मैं तुम्हारी गर्म सांस की मदद से नूडल्स को पिघला सकती हूँ। यह अच्छा है, मुझे यही चाहिए। कितना स्वादिष्ट है। वाओ, धन्यवाद जेन, मुझे नूडल्स को गर्म करने में मदद करने के लिए। उफ, मुझे माफ करो, यह बहुत स्वादिष्ट था। और इसे पहले कौन खोलेगा? वहाँ देखो, मैं इसे पहले खोल रही हूँ। वाओ, मेरे पास पिज्जा है। कितना अच्छा। वाओ, यह गर्म भी है। यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है और खुशबू तो कमाल की है। मुझे इसे जल्द ही ट्राई करना चाहिए। वाओ, चीज भी स्ट्रेच हो रहा है। क्या मैं भी खा सकती हूँ? जेन, तुम्हें अपना खाना चाहिए, मेरा नहीं। अच्छा ठीक है, देखते मेरे पास क्या है। ओह, मेरा पिज्जा तो फ्रोजन है। यह बेकार है, चीज भी स्ट्रेच नहीं हो रहा है। उफ, मैं इसे काट भी नहीं सकती। फिर भी मुझे सच्ची में स्वादिष्ट पिज्जा चाहिए। मेरे पास बर्फ है। लाओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। अपना मुंह खोलो और इसे अच्छे से बंद करो। हुर्रे, यह काम किया। और तुम क्या सोचती हो, क्या तुम्हें फ्रोजन पिज्जा पसंद आया? क्या यह क्या हुआ, तुम्हारा दांत टूट गया क्या? तुमने क्या किया? शायद यह पिज्जा तुम्हारी मदद करे। हाँ ठीक है, चलो। और मेरे पास ढक्कन के नीचे क्या है? चलो, हम उंगलियों से खेलने जा रहे हैं। खैर चलो। और मैं जीत गई। मैं इस खेल में प्रोफेशनल हूँ। और मुझे क्या मिला है? यह क्या है, मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रही हूँ। अजीब है, शायद मैं कुछ इसे ठीक कर सकती हूँ। जरा अपना खोल के देखो, तुम्हें क्या मिला है। वाओ, जरा इस लॉलीपॉप को देखो, ये कितना बड़ा है और बहुत ही स्वादिष्ट है। वो मेरे जेब में चिपक गया था। उफ, इस तरह से भी ये बहुत अच्छा नहीं है। चलो रुको, अभी मैं देखती हूँ, एक शरारत करती हूँ। मेरी मदद करो, मेरी जीप। अरे मेरी मदद करो। क्या? अरे तुम्हारी जीप अटक गई है। लाओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ये नकली जीप थी, देखो। तुम भी ना। चलो अब मैं अपना चुपा चुप ट्राई करती हूँ। और मैंने पता लगा लिया कि मैं इसे कैसे खाऊंगी। वाह, इसे तो बबल भी बना सकते हैं। वाह, कितना क्रंची और स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा। चलो रॉक पेपर सीजर्स खेलते हैं। जो भी जीतेगा वो पहले खोलेगा। और मैं जीत गई। तुम अपने हाथ कहाँ ले जा रही हो? मैं पहले करूँगी। वाह, मेरे पास चिकन नगेट्स है। काश वे गर्म हो। हाँ, गर्म स्वादिष्ट नगेट्स, कितना अच्छा। चलो अब इसे खाती हूँ। इसे थोड़ा ठंडा करना होगा। वाह, चलो अब मैं इसे खा सकती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है, कितना बढ़िया। जेन, तुम मेरे नगेट्स की ओर देखो भी मत, अपने खुद के नगेट्स देखो। उफ, मुझे पहले ही एहसास हो गया था कि मेरे पास जमे हुए नगेट्स होंगे और मुझे उनके साथ क्या करना चाहिए। उफ, ये कितने हार्ड और ठंडे हैं। ओह, काटने से भी दर्द हो रहा है। मैं इन्हें नहीं खा सकती। उन्हें निश्चित रूप से किसी चीज के साथ गर्म करना होगा। लेकिन क्या मेरी मदद कर सकता है? ओह फीबी, तुम्हारा हेयर स्ट्रेटनर मेरे लिए उपयोगी हो सकता है। मुझे कुछ मिनट दो। चलो नगेट को गर्म करने के लिए डालते हैं और अब मिंजार करते हैं। ये तैयार हो गया। वाह, अब मेरे पास भी चिकन नगेट्स है, स्वादिष्ट। वाह, कितना अच्छा है। क्या मैं पहले कर सकती हूँ? अरे धन्यवाद, मेरे पास वोफल है। ओह, वे भी जमे हुए हैं। इसमें बर्फ भी दिख रहा है। मैं इस बटर के टुकड़ों को हटा सकती हूँ। चलो अब इसे ट्राई करती हूँ और हो सकता है ये स्वादिष्ट हो। अपना ढक्कन खोलो, हंसो मत। वाह, मेरे पास स्वादिष्ट गर्म वॉफल है, कितना अच्छा।
हमें इसे ट्राई करना चाहिए। ओह ये बहुत गर्म है। ओह मैं पूरी तरह से भूल गई कि गर्म खाना को पहले ठंडा करना होता है। हाँ यह ठीक है, चलो अब मैं इसे चख कर देखती हूँ। वाओ ये कितना स्वादिष्ट है। ओह जेन तुम क्या कर रही हो, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। मैं इस बफल को तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, ये बहुत कड़ा है और अब मैं इसे खाना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं अब क्या करूँगी। मुझे पता है, तुम इस दूसरे वाले को खा सकती हो। नहीं मैं नहीं खाऊंगी। अच्छा ठीक है मैं खाती हूँ। वाओ ये बहुत क्या पिज्जा इतना छोटा क्यों है और जॉन का साधारण है। हाँ मैं बहुत लकी हूँ। वाओ क्लोए क्या इस आकार का पिज्जा भी मिलता है। अपना चश्मा पोछो नर्ड, मेरा पिज्जा देखा यह मिलता है, लेकिन एमा सबसे पहले खाने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल उसके पास एक सुपर छोटा पिज्जा है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए था। चलो मेरा हो गया, यह स्वादिष्ट था लेकिन पेट खाली है। हाँ हाँ अब मेरी बारी है, मुझे अपना पिज्जा खाना शुरू करना होगा। वाओ चीज इतना स्ट्रेची है, तो तुम मेरा पिज्जा चोरी करने की कोशिश भी मत करो। ओ, रुको ये तुम्हारा नहीं है, मैंने सभी टुकड़ों को गिना था। चलो वापस खाने पर आते हैं, मेरे पास दो और हैं, इन दोनों को इकट्ठा कर देता हूँ और अब खाऊंगा। वाओ कितना चीज़ी है। चलो अब तुम्हारी बारी है क्लोई, मुझे बताने के लिए धन्यवाद नर्ड। चलो पहले टुकड़े से शुरू करते हैं। वाओ मेरे पास निश्चित रूप से एक साल के लिए काफी पिज्जा है। वाओ दोस्तों मुझे माफ करो, लेकिन यह हिस्सा केवल मेरे लिए है, इसलिए मैं उसे शेयर नहीं कर सकती। सभी टुकड़ों के लिए पेट में काफी जगह है। मैं रुक नहीं सकती। तुम्हें रुकना चाहिए, तुम इतना कहाँ फिट कर पा रही हो। ओ नहीं मेरा पेट, वो इतना बड़ा हो गया है। तुम क्यों हंस रहे हो, मेरी मदद करो। एमा प्लीज यह काम बिल्कुल मेरे लिए है। चलो क्लोई अपनी जगह से निकल जाओ। ठीक है क्लोई, यह एक ट्रेडमिल है। ट्रेडमिल या क्लोई है, क्या तुम पहले मिले हो और अब हम दोस्त बनने वाले हैं। क्लोई आलसी मत बनो, एवरेज स्पीड और दौड़ो जल्दी क्लोई, पिज्जा के एक स्लाइस के लिए। चलो दौड़ो, चलो चलो और करो। ओह चलो और। ओह क्या तुम इसे मुझे तुरंत दे सकती हो, ये इतना स्वादिष्ट है। और हो गया। वाओ क्लोई तुम पहले से भी बेहतर दिख रही हो, तो चलो एक फोटो लेते हैं। और यह क्या है, मेरे प्लेट में कोई टुकड़ा है, खाना का है। मेरे पास बड़ा मार्शमेलो है। और यह क्या है, ओह चलो इधर देखो भी मत, चलो अपना खाओ। ठीक है वैसे मेरे पास एक शानदार आइडिया है, मैं अपने छोटे मार्शमेलो को पकाऊंगी ताकि यह तुम सभी की तुलना से बेहतर स्वाद दे सके। एक फ्राइंग पैन में मार्शमेलो को भूनूंगी और इसे निकालती हूँ, बहुत बढ़िया। और अब इसे खाती हूँ। वाओ यह बहुत स्वादिष्ट था। चलो अब तुम कर सकती हो। बढ़िया मैं भी अपने मार्शमेलो को भूनना चाहती हूँ। हम इसे एक स्टिक पर डालते हैं और बर्नर निकालते हैं। एक छोटे से आग से भूरे रंग का स्वादिष्ट ट्री। वाओ कितना सुंदर सुनहरा रंग है, चलो इसे खाती हूँ। वाओ यह स्वादिष्ट है। अद्भुत, मुंह में घुलता जा रहा है। जॉन तुम शुरू कर सकते हो। हाँ आखिरकार मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है, मैं इस मार्शमेलो को पूरी तरह से भूनने जा रहा हूँ, ज्यादा आग की जरूरत है। ओह बिल्कुल सही रंग। वाह और क्या महक है। तो ऐसा लगता है सब कुछ तैयार है, अब मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ। ओह कितना क्रिस्पी हो गया मुझे लगता है। जॉन तुम एक जंगली जानवर की तरह कर रहे हो। हाँ मैं हूँ, क्या यह अच्छी बात है या बुरी बात। क्या हुआ अम्मा। वाओ यह पॉपकॉर्न की मेरी बकेट है। अरे मेरा साइज देखो, यह बहुत सारे पॉपकॉर्न है। वाह और तुम्हारे बारे में क्या। ओ जॉन यह सच्ची में सबसे छोटा पॉपकॉर्न है जिसे मैंने कभी देखा है। तो क्या यह स्वादिष्ट है, यह पक्का है, लेकिन मैं इसे बड़ा कर सकता हूँ। ओ हाँ मेरे पास एक विशेष बीम है, हमें इसे आजमाने की जरूरत है। इसे जगह पर रखते हैं, प्रोटेक्टिव चश्मा लगाते हैं और चालू करते हैं। ओ तैयार हो जा, वहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। अरे क्या यहाँ क्या हो रहा है, क्या क्या वो और भी छोटा हो गया है। हमें योजनाओं को फिर से देखने की जरूरत है।
कहीं कुछ गड़बड़ हो गया है। चलो इसे फेंक देता हूँ मशीन को और मैं इसे खा जाता हूँ। चलो अब तुम करो। बढ़िया, चलो अब यह खाते हैं। वाह, यह बहुत स्वादिष्ट है। मैं सब कुछ जल्दी से खाने जा रही हूँ। एमा, तुम सुपर फास्ट हो। आखिरी बचा है। सभी अच्छी चीजें जल्दी खत्म हो जाती है। मेरा हो गया, तुम्हारी बारी है। वाह, आखिरकार मैं अपने स्वादिष्ट ट्रीट का मजा ले सकती हूँ। मुझे पॉपकॉर्न बहुत पसंद है। चलो मैं पहली हूँ। चलो ओह, मेरे साथ भी शेयर करो। ओह, यह कितना स्वादिष्ट है और यहाँ बहुत सारे हैं। ओह चलो मैं और पकड़ता हूँ। क्या मेरा खत्म हो गया? ओह चलो मैं इसके अंदर घुस जाती हूँ। ठीक है। क्या इतना छोटा सा प्रिंगल्स? अरे नहीं जॉन, तुम सिर्फ एक लूजर हो। मेरे पास बड़ा पैक है। हालांकि नहीं, यह चिप्स का मेरा विशाल पैक है। क्या जॉन? ठीक है, तुम पहले शुरू कर सकते हो। ओह अच्छा है, चश्मे के साथ भी इस पैकेज को देखना मुश्किल है। मेरा माइक्रोस्कोप निश्चित रूप से यहाँ काम आएगा। चलो खाते हैं। ओह मैंने सब गिरा दिया और तुम्हें बस मुझ पर हंसना है। ठीक है एमा, तुम्हारी बारी है। बहुत बढ़िया, एक अच्छा आइडिया है मेरे पास। अब मैं तुरंत सभी चिप्स बाहर निकालती हूँ। तैयार। देखो कितना अच्छा मैंने फिंगर स्केट खरीदा है। ना अच्छा। ठीक है, अब मैं प्रोफेशनल की तरह स्केटिंग करूंगी, लेकिन उंगलियों पर, इस तरह। यह मेरे मुंह में कुछ चिप्स फेंकने का एक शानदार तरीका है। ठीक है दोस्तों, मेरा हो गया। क्लोई, तुम जारी रख सकती हो। ठीक है, तुम कितनी धीमी हो, मुझे बहुत भूख लगी है। अब चलो पैकेट को खोलते हैं और खाते हैं। बहुत स्वादिष्ट है। कितना बड़ा सा प्रिंगल्स चिप्स है। हाँ, इसलिए यह अधिक सुविधाजनक होगा यदि मैं उन्हें अपने मुंह में डालूं। ओ नहीं, ये बहुत बड़ा है। आउच, कोई मेरी मदद करो। दोस्तों मेरा बैलेंस खराब हो रहा है, मैं गिर रही हूँ, बचाओ। और क्लोई, वैसे कुछ चिप्स बाकी है। एमा चलो खाते हैं। तो हमें इस दुनिया का सबसे छोटा बर्गर खाना होगा। मेरे पास एक सामान्य बर्गर है। क्या इससे भी बड़ा होता है? निश्चित रूप से होता है। इस बड़े से बर्गर को देखो। वाह, चलो मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। यह मुझे दो और यह भी। मैं बढ़िया सा गुलेल बना सकता हूँ और यह तैयार हो गया। अब तुम सब देखोगे कि मैं अपने मुँह में बर्गर कैसे फेंकता हूँ। क्या तुम तैयार हो? ये पकड़ लिया। क्या तुमने इसे देखा? ये बहुत अच्छा था। चलो क्लोई, अब तुम जारी रखो। बढ़िया, मुझे बहुत ही भूख भी लग रही थी। यह कितना रसदार और स्वादिष्ट है। मुझे बर्गर बहुत पसंद है। दोस्तों क्या मेरा चेहरा साफ है? सब कुछ ठीक है? क्लोई तुम फनी लग रही हो। बहुत अच्छा, तो एमा जारी रख सकती है। क्यों नहीं, लेकिन इसे बेहतर तरीके से कैसे खा सकती हूँ? ये बहुत बड़ा है। ओह हाँ, मेरे पास एक बड़ा हथौड़ा है। अब मैं इसे चपटा करने जा रही हूँ। तैयार हो गया। यहाँ ऐसा साइज है जिसे मैं निश्चित रूप से खा सकती हूँ। चलो जल्दी खाती हूँ। वाह दोस्तों, ये बहुत स्वादिष्ट है। वाह, मैंने बहुत खा लिया। क्या? मुझे इतना छोटा डोनट क्यों मिला है? और दूसरों के पास क्या है? खैर आखिरकार मैं लकी हूँ, एक बड़ा डोनट। हालांकि रुको, बड़ा नहीं। एमा क्या तुम्हारे पास फिर से विशाल डोनट है? मैं वास्तव में लकी हूँ, लेकिन क्लोई शुरू करेगी। मैं ठीक है, मैं इसे जल्दी से खा लेती हूँ। बस हो गया। जॉन तुम अपना डोनट खा सकते हो। हाँ सच में, वाव। वाह कितना स्वादिष्ट है, मुझे डोनट बहुत पसंद है। लेकिन एमा मैं यह सच में जानना चाहता हूँ कि तुम इसे कैसे खाओगी। चलो खाओ। ठीक है, मैं बिना मतलब के जिम नहीं जाती हूँ। डोनट को खींचने से पहले अच्छी से तैयारी करनी होगी। अपने हाथों पर थोड़ा सा पाउडर सही तरीके से पकड़ना है और तब मैं इस बड़े से डोनट को उठा सकती हूँ। मुझे बहुत मजबूत होना है। अरे वहाँ पर कौन है? अरे हटो। ओह मैं गिर रही हूँ। एमा तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं स्वर्ग में हूँ या कहाँ।